जिसमें हमको सीपियाँ जो होती हैं ना वो मिलती हैं देन वी हैव गैस्ट्रोपॉर्ड्स जिसमें हमको स्नेल्स मिलते हैं और थर्ड हमको मिलते हैं सीफेलोपॉर्स जिसके अंदर हमको स्क्विड सीपिया या फिर ऑक्टोपस मिलेगा सो द आइडिया विद मलस्क ग्रुप ऑफ रेमिडीज इज दैट दे हैव अ शेल एंड दे आर विद इन दैट शेल द मेन ऑर्गेनिज्म इज़ विद इन दैट शेल अब इनका जो बेसिक थीम मिलता है हमको सारी की सारी मल्स रेमेडी का वो क्या मिलेगा द बेसिक आइडिया विद ऑल द रेमेडीज ऑफ मलक्स ग्रुप इज दैट दे आर वेरी वीक एंड वर्नरेबल दे आर वेरी वीक एंड वनरेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड बिकॉज दे आर नो लॉन्गर बी एबल टू डिफेंड दम सेल्फ फ्रॉम द डेंजरस वर्ल्ड दे कुड बी ईटन दे कुड बी अटैक्ड सो दैट इज़ वाई इन द लॉन्ग रन दे हैव Come up with a shell and they live within that shell. Now, this is true only for first two groups, that is the bivalves and the gastropods. So, in their theme, they are very weak-willed personalities. Whenever they encounter any problem, any stress, they withdraw into the shell, they withdraw into their own being, or they escape from that situation. Why? Because they are very vulnerable to the outside world. And that shell, it provides a big, big shelter or big protection to them from the outside world so that they could not be attacked. Or they close up and they contract. And at the same time, when they are within that shell, that shell is very, very suffocating for them. It is very dangerous for them. Why? Because they cannot live for a long period of time in that shell. It's very suffocating because the room is very small. बट वेन वी कम टू दिफेलो पॉइंट जिसके अंदर सी पी आकटोपर्स या स्क्विड पड़े हैं वहाँ पर शेल नहीं होगा बट एट द सेम टाइम उनका जो डिफेंस होगा देट विल ऑल्सो भी द सेम इज टू विद्रॉ फ्राम द सिचुएशन टू एस्केप फ्राम अचुएशन और टू बिल्डअप सम डिफेंस मैकेजम थ्रू विच दैन मर्ज इन टू द एन्मेंट और गो अवे फ्राम द्रीडियटर दिस इज द बेसिक आइडिया विद मोस्ट ऑफ दस्क रेमिडीज So, when coming up to the CP as a remedy, we know that this remedy belongs to cephalopod, which do not have any shell. But at the same time, the vulnerability is very high. They're very vulnerable to the attack from the outside world. So, what they do is they cannot go into the shell to protect themselves, but they defend themselves. Defend themselves from what? दे डिफेंड हिमसेल्फ बाय प्रोड्यूसिंग अमोफ्लॉज सो वॉट सी पी आर डज इज स्पेश वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में इस तरह से ढल लेती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो है कहाँ पे या फिर इट प्रोड्यूस अ इंक जिसको कटल फिश जो बनती है वो उस इंक से बनती है वो इंक छोड़ती है जिसकी वजह से जो भी प्रिडेटर होते हैं उनके आसपास टेम्पररीली सारा का सारा क्लाउडी हो जाता है एंड दे कैन नॉट सी दी सीपिया और कटल फिश एंड इट एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन बेन उसके बाद एक इनका बहुत स्ट्रांग डिफेंस है कि सीपिया जो रेमेडी है वो अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो उसको इतना कम कर लेती है इतना कम कर लेती है कि उनको शार्क डिटेक्ट नहीं कर पाती एंड सीपिया इज़ अ वेरी गुड प्रे फॉर शार्क फिश अब शार्क कैसे ढूंढती है सी पी आई को बाई डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गेनिज्म अना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सी पी आई ने क्या किया अपना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड या बायो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको इतना ज़्यादा कम कर लेती है इतना ज़्यादा कम कर लेती है जो हमारी ए फोर साइज़ बैटरीज होती है ना वो उससे भी बहुत सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट उससे भी ज़्यादा कम कर लेती है जिस वजह से ऑल दो सीपीआई उसके आसपास रहेगी शार्क के बट वो शार्क उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी दिस इज वेरी स्ट्रांग विद सी पी आई विल कम टू दिस पॉइंट दिस डिफेंस कि सी हम कैसे यूज कर सकते हैं इस चीज में सबसे बड़ा डिफेंस सीपीआई का हमको यही मिलता है राइट right? सो so, अब सी पी आई रही है हमारे को मिलेगा कि सी पी इन नेचर इन दी एनवायरमेंट सी कैसे हमको देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफेंस मकैनिज्म डिफेंस सिस्टम देन वैन कम टू द सी पी एज अ रेमिडी वी नीड टू अंडरस्टैंड सी पी अ हेल्दी स्टेट और इन द लेटेंट मैजमेटिक स्टेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर सो इन देल्दी स्टेट सी पी आई पेशेंट्स कैसे होती हैं दे आर वेरी इंडिपेंडेंट दे आर वेरी जिसमें बहुत ज़्यादा होगा

मोड में रहेंगे यहां पे ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं वॉयलेंट मोशन कर रहे हैं ये ठीक रहेंगे उनसे उनकी एनर्जी फ्लो होती रहेगी और उनको आराम मिलता रहेगा राइट right? ये इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा एंड देन इफ देआर वुमन दे आर देयर हैबिट्स इज मोस्टली मैनिज और अगर वो मेल है उनकी जो हैबिट्स होंगी दैट वुड नॉट बी फेमन इन बट वो बहुत ज़्यादा वीक विल्ड और वर्नेबल लोग होंगे वो किसी को ईजिली डि कन्फ्रेंट नहीं कर पाएंगे तो, तो आइडिया क्या रहेगा जैसे सी पी आई या मलस ग्रुप एक वर्नरेबल होता है इन दी एनवायरमेंट सिमिलरली सी पी आई पेशेंट वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल होंगे टू दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दे गेट हर्ट वेरी इजीली बट एट द सेम टाइम जब तक वो अपनी इंडिपेंडेंस जब तक वो अपनी सोशबिलिटी जब तक वो अपनी ब्रिस्क मूवमेंट जब तक वो अपनी एथलेटिक टेंडेंसी जब तक वो अपना वॉयेंट एक्सरशन करते रहेंगे दे आर हेल्दी। सो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द सी पी आई वूमन दो दे गो इन टू एथलेटिक्स लाइक स्विमिंग रनिंग मैराथन राइट साइकिलिंग इन चीज़ों में जाती रहेंगी और उस चीज़ में जाके वो एक्सेल भी कर जाएंगे आइडिया होगा क्यों बिकॉज अब यहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा देअर कॉन्स्टिट्यूशन इज सच कि उनके जो मसल फाइबर्स होंगे दे आर लीन थिन फ्लैट चेस्टेड नैरोपेल्विज मीन्स उनकी पूरी की पूरी बॉडी शेप ही ऐसी होगी जो एक एथलेटिक लुक आपको देगी आपको देखने को मिलेगा सी पी पेशेंट्स के अंदर सो दे आर वेरी एथलेटिक जब तक ये स्टेट ये कंफर्टेबल जोन इनका एक्सप्रेस होता रहेगा दे विल रिमेन हेल्दी बट दैट इज नॉट दी आइडिया कि वो हमेशा ऐसे रह सकेंगे क्यों बिकॉज ऑफ़ देयर वीकविलनेस बिकॉज ऑफ़ देयर वनबिलिटी सी पी एफ बहुत ईजीली डिजीज स्टेट में जा सकती है कब अगर तो उनके पेरेंट्स होंगे जो उनकी ये स्टेट को समझ के उसको चैनलाइज कर लेंगे इस एनर्जी को और उनको स्पोर्ट्स में डाल देंगे या किसी भी एक्टिविटी में डालेंगे यहाँ पे ब्रिस्क मूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे उनको वो एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन टेंडेंसी की जरूरत है तब तक वो हेल्दी रहेंगे बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता और जब वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा वही उनकी एक अनकम्फर्टेबल जोन बनेगी और वही उनको डिजीज को वॉट ये जो हेल्दी स्टेट मैंने बताई है सी पी आई की अभी ये हेल्दी स्टेट हमको रेपोरेटरी में कैसे देखने को मिलेगी कैसे दे आर फ्रूटलेसली बिजी दे वॉन्ट टू क्लाइंग दे वॉन्ट टू डांस एंडिंग एम्लोरेट्स इवन इफ दे आर डल इफ द चाइल्ड इज वेरी डल उनको आप डांस करने लगाओगे दे बिकम अलाइव अगेन एंड दे वॉन्ट टू डांस विद मार्क्न्फ रिदम डिल्यूजन इमेजिनेशन ही एज अ मिशन सो उनका एक मिशन ही रहेगा जस्ट टू एक्सप्रेस देयर एक्टिविटी टू बी एथलेटिक टू बी टू हैव सम वेरी स्ट्रांग मूवमेंट्स वॉइलेंट एक्सर्शन, देन मैनेज बिट ऑफ गर्ल्स दे लाइक थंड देर वेरी एक्साइटेबल दे लव रेन एंड वॉकिंग फास्ट एम्यट्स सो दिस इज देल्दी स्टेट ऑफ सीपिया जो हमको रिपोर्टरी में देखने को मिलेगी एज लॉन्ग एज द पर्सन इज इज इन दिस स्टेट दे विल रिमेन हेल्दी बट अब वो डिजीज कैसे रहेगी हमें कैसे मिलना पड़ेगा कि वो डिजीज हो रहे हैं देर मस्ट भी सम कॉजिटिव फैक्टर्स और वो कॉजेशन सीपीए के लिए क्या बनेगा जैसे हमने बताया दे आर वेरी वीक विल्ड पर्सनैलिटीज दे आर वेरी वल्नरेबल पर्सनैलिटीज एंड बिकॉज ऑफ देयर वीक विल्डनेस एंड वलनरेबलिटी दे अंडरटेक थिंगस अपोज टू हर इंटेंशन सो यू कैन सी दिस थिंग कि वो चाहते हुए भी किसी को मना नहीं कर पाएंगे उनकी इंटेंशन चाहे जैसे मर्जी होगी बट स्टिल देडर गो जैसा भी कोई दूसरा इंसान उनको बोलेगा करने के लिए सो so जो राइट साइड पर आप देख रहे हो वाइट में ये सारा उनकी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ वो एथलेटिक हैं No doubt, they want brisk movements. No doubt, they want violent exertion. They want dancing. They want climbing. They want brisk activities. But at the same time, they are also weak willed They are also vulnerable. They undertake things opposed to their intention. If you see Canterbury, we have only two remedies in this rubric: one is C P I and one is phosphorus. So job when, khilaf apne constant they could be easily dominated, and this domination becomes the biggest causative factor for a sepia patient to become diseased. They could be abused easily, they could be abused easily mentally, emotionally, as well as physically. So, that is the ailments from being sexually abused, ailments from rape. Sepia is a A grade remedy for surgeons, and then. Because of their weak willness, because of their undertaking things opposed to their intention, there is very strong mental and emotional suppression. They become disappointed by such things. So this becomes a big, big causative factor for a CPR, healthy CPR patient to become diseased. So now, once they are diseased, their whole constitution, their whole personality and how it is changed, let us see that they become now they become silent they have very strong inability to express oneself they cannot express themselves easily right so they become indifferent they have very strong aversion to everything. They have an aversion to family, aversion to joy, aversion to loved ones, aversion to her duties. They become, in a way, detached to everything. They become strongly indifferent. They avoid company, they avoid consolation in any form. Although if they are consoled, they have a tendency to become irritable and this is expressed again in the rubrics. we can see affection cannot demonstrate. rejects affection. ambition. loss of. so a patient both ambitious in the healthy state with her athletic tendencies now become very strong. loss ambition. she has aversion to everything. and then the mind is constantly brooding over the illness, brooding over the things that has gone wrong with her. they develop company aversion to especially to the loved ones to friends to parents to to their relatives and then they avoid the sight of people this is how they become in the disease state by some causations and what were the causations by being dominated by being abused by being deception by disappointment Ab wo वो किसी और की वजह से नहीं होगा वो उनके खुद के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होगा बिकॉज दे आर वेरी वीक विल्ड दे आर वेरी वनरेबल एंड देरटेक थिंग्स अपोज टू देर इंटेंशन दिस वॉट इज हैिकॉन्वर्जन टू कॉन्सोलेन डिलीजन दैट शी इज अलोन इन अ ग्रेव यार्ड यहाँ पे पहले शी है डिव्यूजन ऑफ अ मिशन यहाँ पे आके वो सारा का सारा उसकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी दैट शी इज अलोन इन अ ग्रेव यार्ड she her legs are shortened and she is unfit for life these are the delusions and then detached family to aversion silent grief and hatred for persons who are close to him so you can see ki healthy state a disease state ja again other rubrics are indifference about business

and then what are the reactions ki when देयर इन डिजीज स्टेट जब उनकी पर्सनैलिटी चेंज होगी दैन हाउ सी पी आर reacts to different situations. तो कोई भी situation होगी So हमने क्या पढ़ा पहले कि देर इज स्ट्रांग टेंडेंसी टू विदड्रॉ एंड टू रिजॉर्ट इन टू अ शेल और टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन राइट सो इसी वजह से सी पी आर कभी भी ओपनली कंफ्रेंट नहीं कर पाएंगे किसी को सो उनका रिएक्शन क्या होगा They're very intuitive. They can see the other person's weakness. So they become sarcastic. They start taunting. So taunting is a very, very strong and big keynote symptom of CPI patients. They just strike the other person's weakness, taunt them, and then they withdraw. They escape. They will not openly fight. They become abusive, angry, harsh, and throw things in anger, not in front of patients, uh, इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल बट वेन अलोन जो हाउस होल्ड्स वाइफ्स होंगी वो क्या करेंगी अगर वो बर्तन साफ कर रही है वह जोर जोर से बर्तन उठा उठा के मारेंगी दे वॉन्ट टू ब्रेक थिंग्स दे वॉन्ट टू म्यूटिलेट हिज बॉडी तो जितनी भी गर्ल्स होती है ना किसी से लड़ाई हुई बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई जाके अपने हाथ पैर काटने शुरू कर दिए क्योंकि वो ओपनली कन्फ्रेंट नहीं कर पाती मोस्ट प्रॉबली दे आर लाइक सी पी आस

एंड एनोरेक्सी अंदर वा खाना खाना बंद कर देंगे वो गुस्से में आके ब्रेक थिंग्स डिज़ायर टू सेंसोरियस क्रिटिकल टू फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड टीचर्स कि जो जो लोग ने उनको डोमिनेट किया है जो जो लोग उनके साथ एब्यूजिव थे वो उन्हीं के लिए अब क्रिटिकल और सेंसोरियस हो जाएंगे दे बिकम डिस्ट्रक्टिव दे बिकम एस्ट्रेंज फ्रॉम अवर फैमिली दे वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द फैमिली हेटेड ऑफ पर्सन क्लोज टू हेंड so irritability easily producing rage they become malicious specially to loved ones so the idea ki jo jo unko dominate karta hai jo jo unko abuse karta hai sirf unhi ke khilaf unhi ke liye inke strong reactions aayenge cpr patients ke suppose before marriage cpr patient is very very sociable bahut kaam kar rahi hai ठीक है office work कर रही है duties कर रही है और marriage के बाद suddenly उनको बोला गया कि now you are not allowed to do any ड्यूटी ऑफिस नहीं जाना काम नहीं करना बाहर नहीं जाना तो सी पी आई पेशेंट दे टोटली चेंज एंड दे बिकम हार्श डिस्ट्रक्टिव अब इसके साथ साथ जो फिजिकल प्रॉब्लम्स इनको आने शुरू होंगी हो कि एक तो उनकी हेल्दी पर्सनैलिटी थी देन एक पॉजिटिव फैक्टर आया और उनकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज होगी उनका नेचर टोटली चेंज हो गया जब उनका नेचर टोटली चेंज होगा फ्रॉम हेल्दी टू द डिजीज स्टेट सबसे पहला इफेक्ट उनके हारमोनस के ऊपर आएगा उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और जब जब ये हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आएंगे वो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रवेशन देंगे इट कुड बी बिफोर मेंसेस ड्यूरिंग मेंसेस आफ्टर मेंसेस इट कुड बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कुड बी ड्यूरिंग द क्लाइमेट्रिक पीरियड इट कुड बी ड्यूरिंग द लेक्टेशन फेज तो ये सब जगह पर हमको देखने को मिल सकता है अब वो कैसे मिलेगा लेट्स गो एंड सी दैट इन द रेपट्री अब सारे के सारे रूब्रिक देखो एंगजाइटी इन क्लाइमेट्रिक पीरियड एंगर इन प्रेगनेंसी इंसैनिटी मैडनेस इन क्लाइमेट्रिक पीरियड वर्टाइगो ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक पीरियड वर्टाइगो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेड हेडेक्स ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक पीरियड फॉलिंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक पीरियड वी हैव ओनली टू रेमेडीज इन दिस रूब्रिक हैड एक एट द बिगनिंग ऑफ मैनसिस देन फॉलिंग ऑफ लिड्स ड्यूरिंग मैंसेस सिंगल रेमेडी सीपिया vision dim during menses. epistaxis during menses. epistaxis in pregnancy. eruption, acne in pregnancy. chloasma, face discoloration in pregnancy. mouth gums problem during menses. offensive odor before menses. to take at the beginning of menses. to take in pregnancy. nausea in pregnancy. indigestion in pregnancy. Sinking sensation in climatic period, morbid desire to urinate during menses, diarrhea in pregnancy, constipation in pregnancy, offensive urine in climatic period, single remedy sepia, cough in pregnancy, cough during menses, repetition of heart during pregnancy, eczema in climatic period, only two remedies, faintness in climatic period. So we can see the idea here. कि जब जब हार्मोन चेंज होंगे जब जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे सीपिया को कोई ना कोई एग्रवेशन होगी फ्रॉम हेड टू फुट कोई ना कोई सिम्टम्स जरूर डेवलप होगा दिस इज टिपिकल हॉलमार्क ऑफ सीपिया फेंटनेस इन प्रेगनेंसी ओबेसिटी इन क्लाइमेट्रिक पीरियड वेरी स्ट्रांग तो यहाँ पे पेशेंट जो पहले बहुत ज़्यादा लीन थे निमेसिएशन था एथलेटिक था जैसे ही हॉर्मोन्स चेंज होंगे और उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी दे बिकम ओबीज उनके जो मस्कुलर सिस्टम होगा वो टोटली रिलैक्स हो जाएगा तो हॉर्मोन्स के बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फेज हमें देखने को मिलेगा सीपिया के अंदर दैट इज दे फील अनयूजुअली वेल बिफोर एन अटैक ऑफ इलनेस जैसे ही वो बीमार होने वाले होंगे कोई भी एक्यूट इलनेस उनको होने वाली होंगी दे फील वेरी एनर्जेटिक

बियरिंग डाउन सेंसेशन उनके जितने भी मस्कुलर सिस्टम होगा स्किन होगी जितने भी ऑर्गन सिस्टम होंगे वो टोटली रिलैक्स हो जाएंगे टोटली वो रिलैक्स हो जाएंगे सो जिस वजह से दे बिकम लूज लैक्स एंड ड्रैगी सो इफ यू सी बोगर सनप्टिकी द फर्स्ट लाइन दैट बोगर है इज ड्रैगी फीमेल मीन्स एवरी थिंग इज लूज एंड रिलैक्स सो दे हैव टू ड्रैग द इनसेल्फ दिस इज फ्रॉम हैड टू फुट जैसे they have bearing down in the uterus. they have a feeling that whole of the content of the, of the uterus will be thrown out from the body. they have prolapse of the rectum. they have prolapse of the uterus. then falling of eyelids. so you can see the idea. this bearing down is not only in the uterus but in the whole body. eyelids so sepia is one of the trios of falling of lids. the other two remedies are जेलसीमियम एंड कॉस्टिकम सो देन ड्रैगी फीमेल देन दे हैव सिंकिंग सेंसेशन इन दी अपडन इट्स एज एफ दी बॉडी कैन नॉट होल्ड स्टमक इन द प्लेस तो वो भी बिल्कुल नीचे को जा रहा है ड्रैग कर रहा है लूज हो गया रिलैक्स हो गया नीचे की तरफ जा रहा है सो so, उनकी होल बॉडी विल भी ऐसी होगी जैसे ईजी फेंटिंग्स जैसे वो नीडल नील डाउन करने की कोशिश करेंगे फेंट हो जाएंगे इवन द स्टिंगटर्स यूरिनरी स्टिंगटर्स होंगे वो भी लूज और रिलैक्स हो जाएंगे जिस वजह से सीपिया में इनवॉल्ट्री यूरिनेशन होगी बाई कफिंग लाफिंग बाई स्टैंडिंग और सिटिंग एवरीथिंग विल बी लूज एंड रिलैक्सड दिस इज द आइडिया दिस इज द बीरिंग डाउन सेंपिया एंड देन लेट्स कम टू दर पर्टिकुलर ऑफ सीपिया की हेड के अंदर हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं सो वी हैव इरप्शंस एक्जीमा एट द मार्जिन्स ऑफ हेयर अदर रेमेडी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर दिस इज नेट्रम्यूर सो इंटरेस्टिंगली नेट्रम्यूर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी ऑफ सीपिया नेट्रम्यूर इज अ सॉल्टी वाटर द सी वॉटर एंड सीपिया इज अ पार्ट ऑफ दैट सी वाटर

फोर हेड अबव आइज वन साइडेड कि जब भी इनको हेड एक होगा वो हमेशा आइज के अबव होगा जैसे हम पढ़ते हैं सेंगून एरिया में स्पाइजीलिया के अंदर सिलीशिया के अंदर ऐसे ही सीपीआई में होगा बट सी पी आई में क्या रहेगा हमेशा हॉर्मोन चेंजेस के साथ वो चीज रहेगी हेड एक फ्रॉम फास्टिंग विद एमटीनेस ऑफ स्टमक हेड एक होगा भूख लगेगी बट साथ में पेट में खो पड़ती रहेगी राइट right?

कि उनको मारने से उनकी एनर्जी निकलेगी वो ब्रिस्क मूवमेंट आएगी वॉलेंट एक्सर्शन आएगा एंड दे गेट रिलीव आफ्टर बीटिंग देयर चिल्ड्रन बहुत मारती है सीपीआई पेशेंट अपने बच्चों को देन ऑन द फेस वी हैव ब्राउन स्पॉट्स ऑन द फोर हेड ब्राउन स्पॉट्स ऑन द नोज क्लाज्मा एंड देन पिंपल्स इरप्शन एट द मार्जिन ऑफ हेयर हेयर ऑन अपर लिप इन वुमन सो उनका जो अपर लिप होगा वहाँ वो हेयर ही होगा क्यों होगा बिकॉज ऑफ दी मैस्कुलिन टेंडेंसी कि उनकी जो एनर्जी है इट्स मोर मैस्कुलिन जिसकी वजह से हमेशा सीपीआई में हमें मुझे देखने को मिलेगी वो वुमन जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी उनके अंदर हमको हेरी लिप मिल सकते हैं देन येलो सेडल अक्रॉस द चीक्स इन यूट्राइन कंप्लेन देन इन द स्टमक वी विल सी रेवनस एपिटाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जस्टिफाइड एम ऑल गॉन सेंसेशन in the stomach after eating weak empty feeling eating does not ameliorates emptiness in the stomach in pregnancy emptiness when thinking of food single remedy nausea with the smelling of cooking food sinking sensation in the pit of stomach does not ameliorate by eating then in the respiration we have again strong symptoms cough exertion ameliorates सो वी कैन सी की एक्सर्शन जो है ये कितना इम्पोर्टेंट सिम्टम है सीपिया का सो कफ फ्रॉम इरिटेशन इरिटेटिंग फूड्स लाइक सॉल्ट वाइन पेपर विनेगर ए सेम सिम्टम हमको एल्यूमिना पे भी मिलेगा कफ रिलीव्ड बाय रेजिंग देड कफ फ्रॉम एक्सपोजर टू स्नो फॉल इन चिल्ड्रन ओनली रेमिडी इज सी पिया देन इन द फीमेल्स वी कैन सी ऑल सिम्टम्स for abortion so CPM abortion it's because of the loose musculature of the uterine muscles abortion at 5th month 7th month abortion with laxity of tissues single remedy abortion from placenta previa female coition, diminished enjoyment displacement of uterus after parturition leucorrhea in climatic period आफ्टर क्वेश्चन लिकोरिया इन यंग द फीमेल जेनिटेलिया सो इन द फीमेल मूवमेंट ऑफ फीटस इज बिकॉज़ फिटस मूवमेंट आर वॉयलेंट, सो यू कैन सी कि इसमें इतनी एनर्जी होगी कि जो फीटस होगा वहां पर भी हमको वॉयलेंट मूवमेंट देखने को मिलेगी यहां पर देन वी हैव बियरिंग डाउन पेन एज एफ एवरीथिंग वु कम आउट फ्रॉम दजाइना बियरिंग डाउन इन दूट्रस Crossing limbs ameliorates. Must support abdomen with hands. Then they have very strong aversion to coition, sexual aversion. Then in the bladder, again we can see involuntary urination because of the loose musculature. Involuntary in children, difficult to waken the child. The retention of urine after delivery. The retention of urine during fever. Morbid desire. To urinate during prolapses of uterus. Morbid desire to urinate with bearing down in pelvis. Then, in the generalities, we can see they desire alcoholic drinks, they desire bitter things, they desi then they have very strong aggravation from old cheese, and they have very strong aggravation for boiled milk they cannot tolerate boiled milk then in the generalities we can see ex exertion exercise ameliorates exertion continued ameliorates violent exertion ameliorates then they have aggravation from bathing and washing aggravation from caution amelioration from dancing amelioration from rapid motion amelioration for violent motion amelioration from running देन आई हैव कम अप विद सम कम्बाइंड सिम्टम्स कि अगर हमको कुछ कंकॉमिटेंट्स मिलते हैं वी कैन श्योर शॉर्ट गिव सी पी या विदाउट कंसिडरिंग द होल कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे होंगे लेट सी दैट इफ वी हैव हैड एक विद डिज़ायर फॉर क्वाइशन सो यहाँ पे कितना ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि सी पी एम में जनरली देर इज वेरी स्ट्रांग सेक्शुअल एवरजन बट विद दैड एक देव अ डिज़ायर फॉर क्वाइशन देन दे हैव फॉलो ऑफ लिड्स विद मैंस्ट्रोल कंप्लेन्ट्स Epistexis with hemorrhoids, yellow spots on the face with uterine hemorrhage, nausea with pain in the uterus. So, these are concomitant symptoms. Sexual desire increased with palpitations, back pain with frequent urination, jaundice with uterine hemorrhage. So, these are concomitant symptoms of sepia. So this is all about CPA. So any questions? You can write down in the chat box if you have any question. या कुछ समझ में ना आया हो अगर आपको तो बिकॉज वी हैव ओनली थ्री मिनट्स लेफ्ट फॉर द मीटिंग सर प्लीज एक्सप्लेन अनयूजल फीलिंग बिफोर इलनेस पॉइंट अगेन सी वॉट हैपन्स इन सीपीआई जब भी उनको कोई भी डिजीज होने वाली होगी ना कोई भी एक्यूट्स होने वाला होगा जरा से फॉर एग्जांपल कफ होने वाली होगी या वो बीमार होने वाले होंगे या वो उसको अस्थमा का अटैक आने वाला होगा उस अटैक आने से पहले दे विल फील वेरी एनर्जेटिक वो आपको आके बोलेंगे कि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं एक दो दिन में बीमार होने वाला हूँ दिस इज द दइडिया विद सी पिया हाउ डू शिफ्ट डिफ्रेंशिएट वीक विलनेस ऑफ सी पिया विद मैगनोलिट्स बेटर क्वेश्चन वुड बी कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट सी विद हेमलिड्स क्योंकि जो मैग्नोलिड्स होगा मैग्नोलिड्स के अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन मिलेगी मैग्नोलिड्स आर ऑलवेज कन्फ्यूज विद वीकनेस जबकि सीपिया के अंदर क्या है दे आर नॉट सो कन्फ्यूज दे आर वेरी वीक विदेरी स्ट्रांग टेंडेंसी टू विदड्रॉ वेयर विदड्रॉ विद्रॉ इंटू द शेल विदड्रॉ इंटू देअर ओन एनवायरमेंट विद ड्रॉ इंटू देर ओन

not the same ID but uh, I'm giving this the ID required minute. डोंट थिंक सो की वो पूरी होगी अभी सीपीआई इंटरेस्ट सीपीआई इंटरेस्ट फुल इंटेलिजियस हर्सल डोमेस्टिकाली फॉस शी ट्राइज टू इन्वॉल्व हर्सल बट नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज हाउ टू आस जस्ट टू अट सीपीआई इज नॉट एट ऑल दे आर वेरी स्ट्रॉगली केयरिंग अबाउट